महिला खिलाड़ियों के लिए जो ये पुरस्कार समारोह संपन्न किया काफी अच्छा प्रेरणादायी था, और भविष्य में इस समारोह को देखते हुए अन्य नई प्रतिभाएं भी सामने आएंगी राजस्थान से, ऐसा हमारा विश्वास है। और मैं चाहूंगा कि स्टेट बैंक भी इस तरह के आगे भविष्य में समारोह करता रहे, इससे प्रेरणा लेके। ये इतना ही मैं आज के संदर्भ में कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी पहल हुई है ये जो SK जो ग्रुप के द्वारा करा गया, जोशी फैमिली के द्वारा, जो राजस्थान के जो नए क्रिकेटर्स हैं उनको तो चलिए पहचान मिल जाएगी, लेकिन जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया उसके द्वारा, एक पुराने जिनको पहचान शायद खो गई थी या क्रिकेट की दुनिया में शायद उनकी पहचान नहीं मिल पाई, उनको अवार्ड मिला है, बहुत ही एक इंस्पिरेशन की बात है। और आगे आने वाले मैं यही कहना चाहूंगी जो विमेन क्रिकेटर्स हैं राजस्थान के, होपफुली वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं अपना नाम जरूर रोशन कर पाए। Getting honored by this award is a great moment of my life till yet. There's a big hand of my parents behind this and also my dear coaches and I'm very happy today. सीनियर ने मेरे को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 50 साल पहले मैंने खेलना शुरू किया था और अब मतलब भूल ही गए थे कि हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब जब ये अवार्ड मिला है सुंदर कांति जोशी, जोशी फैमिली ने इतना अच्छा ये किया है कि गर्ल्स को ये लोग तो देते ही हैं सीनियर एंड जूनियर प्लेयर्स को, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी पुराने प्लेयर्स को एक बार वापस याद करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, जो सर ने हमारे लिए इतना बड़ा, मतलब गर्ल्स के लिए कोई इतना करता नहीं है बट सर ने इतना सोचा उसके लिए थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है फर्स्ट टाइम कोई अवार्ड लेके, तो थैंक यू सो मच।